Good morning. Today we will go through that lesson and we will try to find the different values, different questions. How you will able? जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6.4 में आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे. They have given us such like questions. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4. Find the value of 27x³ + 8y³ if. इसका पहला दिया हुआ है, मैं पहला बना रहा हूँ आपका. दैट इज 3x + 2y = 14 एंड xy = दिया हुआ 8. बच्चे सिंपल है, ये हमको a³ + b³ निकालना है. अब हम इसको देख चलेंगे. 3x + 2y = कितना हो गया 14. Making cube of both side, you will get 3x + 2y का होल क्यूब इक्वल्स टू 14 का क्यूब. राइट बच्चे, अब 3x का क्यूब क्या होता है, अब इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3 × 3x का होल स्क्वायर × 2y प्लस 3 × 3x × 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14. 14 जा 196 एंड इंटू 14. आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे. 14 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास. 14 जा होता है हमारा 196 और 196 इंटू 14 दैट इज़ द 2744. 3x का क्यूब क्या हो गया बच्चे 27x³. क्या हो गया 27x³ प्लस 2y का क्यूब यानी 2 जा 4 2 जा 8 8y³ प्लस 3 जा 9 9 जा 27. या इस फॉर्मूला को लगाने से बेटर है कि हम इसको इस तरह से लगा लें. दैट शुड बी बेटर फॉर अस. 3xy ब्रैकेट में x + y. सो वी विल एबल तो 3 × xy. xy क्या दिया बच्चे 8 और x + y क्या दिया x + 2y कितना दिया हुआ है 3x + 2y. सॉरी मिस कर रहा हूँ. 3ab फॉर्मूला होता है 3ab तो हो गया प्लस 3 × 3x × 2y प्लस 3x + 2y. तो ये हो गया 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18xy 3x + 2y = 2744. तो फिर हो गया हमारा 27x³ + 8y³ + 18xy. xy कितना दिया हुआ है बच्चे 8 और ये दिया हुआ है आपको 14 = 2744. ठीक है 18 8 क्या होता है बच्चे 144. अब 144 इंटू क्या कहते हैं 14. 144 इंटू 14 आपका हो गया बच्चे 2016. तो ये हो गया 27x³ + 8y³ + 2016 = 2744. सो योर आंसर इज 27x³ + 8y³ = 2744 - 2016. That is the 728 answer. तो you will able to find. आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर जैसे 5 दिया हुआ है बच्चे find the value of pq - q³ if p - q = -8 pq - 2. ये भी सेम है. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है. मैं एक 6 बना के दिखाता हूँ बच्चे. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है बच्चे. That is the if x plus 1 by x = 7. ठीक है बच्चे. तो आप इसको क्या करेंगे बच्चे x + 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 7 का क्यूब. फिर हो गया x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x × x + 1/x = 7. 7 जा 49 49 7 जा 3 4 3. ये x x कट गया बच्चे. तो क्या हो गया आपका
एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स सेवन इक्वल्स टू 343 एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 343 माइनस 21 322 दैट्स गुड, आपने निकाल लिया। इस तरह से आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है, 8 भी वही है। बच्चे 8 में क्या करना है आपको, जैसे ये बड़ा लंबा बनेगा तो आप उसको ऐसे नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव गिवन अस 8 का 1 2x माइनस 3 का क्यूब 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 1 माइनस बी का क्यूब, ठीक है, और तो ए क्यू इंटू बी क्यू अगर कर सकते हैं तो इसमें ये सवाल जो होगा वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसको हम, 2x माइनस 3 2x प्लस 3 ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इसको। इसको आप सिंपली चाहें तो एक लंबे मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका क्यूब तोड़ेंगे, इसका क्यूब तोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक तरीका और भी है कि हम इसको जो है इसको एक काम करें आप, इसको सिंपल है, 2x माइनस 3 का होल क्यूब आपको आता है वो निकाल लेंगे और 2x प्लस 3 का होल क्यूब निकाल के दोनों को आप क्या करेंगे बच्चे, माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी निकल सकता है ये सवाल, ठीक है ना। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, ये एक सिंपल मेथड होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, फिर जो निकलेगा उसको क्या करना है बच्चे, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी है वही है, इसमें 9 में जो है सो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 102। तो अब 102 दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, तो माइनस निकालना है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 102 माइनस 2, ये हो गया बच्चे x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया बच्चे x माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू 10, x माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू 10 आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे x माइनस वन बाय एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 10 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू 1000। ये एक्स एक्स कट गया, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ये कितना निकला है बच्चे 10 इक्वल्स टू 1000। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1000, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया प्लस 30 इक्वल्स टू 1030। दैट्स द वेरी सिंपल, या सॉरी हमें क्यूब लिखना भूल गया। इस तरह से आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 ही दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14, तो आप इसमें ऐड कर दोगे 2 बिकॉज प्लस क्यूब निकालना है। सिमिलरली 11th क्वेश्चन में भी सेम दिया हुआ है, तो पहले इसमें क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करके एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, फिर उसके बाद एक्स प्लस वन बाय एक्स निकाल लेंगे, फिर उसको हम निकाल सकते हैं। मैं इसको 12 को ही बना के दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है ना। मैं 8 का शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो एक नॉर्मल है इससे आप बना सकते हो, ये निकाल लिया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं और बना के दिखाता हूँ, दैट इज द That is the question number 11। इसमें दिया हुआ है बच्चे आप लोगों को x4 प्लस वन बाय एक्स फोर इक्वल्स टू 47।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, एड टू इन बोथ साइड, एड टू इन बोथ साइड, एड क्योंकि हमको प्लस वाला निकालना है बच्चे, तो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो गया 47 प्लस टू, ठीक है। ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का ऑल स्क्वायर इक्वल्स टू 49, दैट इज द 7 का स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, फिर से एड टू इन बोथ साइड, एड टू इन बोथ साइड, तो क्या हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू 7 प्लस टू, दैट इज द 9। ये हो गया बच्चे x प्लस वन बाय एक्स का ऑल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। राइट नाउ वी हैव टू फाइंड द x प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब, तो x प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू हो गया बच्चे 3 का क्यूब। ये हो गया बच्चे x क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस 3, क्या निकालना है, हाँ 3 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दैट इज 3 3 9 3 27। तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस ये x से x कट गया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या निकला था 3 इक्वल्स टू 27, इसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल्स टू 27 माइनस 9, दैट इज 18। तो यू विल एबल टू फाइंड, आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू कम्प्लीट 4 to 12, 4 से लेके 12 तक पूरा आपको बनाना है बच्चे लोग, सो यू विल कम्प्लीट इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको प्लीज़ बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये पूरा और आपका होमवर्क हो गया, यू हैव टू कम्प्लीट 4 to 12। थैंक यू।